नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ता हूँ। अगर आप में से भी कोई अपनी जीवन की समस्या को लेकर परेशान है और अपना हाथ दिखवाना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हम आपकी जो पाम की वीडियो है उसका पूरा एनालिसिस करके आपको भेजेंगे। तो दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये इतना इंटरेस्टिंग पाम है कि इससे इंटरेस्टिंग पाम मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। इनके जो पाम है उसमें बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं दोस्तों, और मैंने थोड़ा और एनालिसिस किया मतलब अपने पर्सनल लेवल पर, तो मैंने जाना कि जितने माइनस पॉइंट इनके हाथ में उससे ज़्यादा प्लस पॉइंट भी हैं। तो दोस्तों, इनके पाम को देखकर मुझे लगा कि आपकी नॉलेज के लिए मुझे इनके पाम की वीडियो 100% बनानी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इनके पाम का शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इनका अंगूठा ही कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मुड़ा हुआ है इनका फर्स्ट फ्रेंड। तो दोस्तों, ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों का मित्रों में और जो इनके दोस्त होते हैं इनके एज के, उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। मतलब बर्बाद तो नहीं, बहुत ज़्यादा समय अपने मित्रों में रहकर व्यतीत करते हैं। और दोस्तों, इन लोगों में ऐसी खासियत होती है कि मैं आपको बताऊं कि ये मित्रता निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब कोई इलीगल काम तो नहीं, लेकिन मित्रों के लिए पूर्ण संपूर्ण अपना वो देते हैं। और दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल भी आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर ये कहीं भी किसी अजनबी प्लेस पर एक हफ्ते जाके रहने लगें तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होता है ऐसे लोगों का। ये देखिए दोस्तों, अंगूठे का फर्स्ट फ्रेंड भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी थोड़ा पतला है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है और अपने इंटरेस्ट को हमेशा प्रेफर करता है। देखिए दोस्तों, इनके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, तो ये इंसान को काफ़ी समझदार बनाती है। और दोस्तों, जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है ऐसा इंसान उसे हमेशा ग्रैब करके आगे बढ़ता है। उंगलियां इनकी ढंग से आ नहीं पाई, लेकिन इनकी उंगली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, इनकी उंगली के फर्स्ट फेलाइंस कितने उभरे हुए हैं और बाहर को हैं, और कितने मतलब अलग से ही पता पड़ रहा है कि दोस्तों, जब ऐसे इनके उंगली के फर्स्ट फेलाइंस होते हैं किसी इंसान के, तो ऐसे व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के बचपन से ही बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कि इनका पॉलिटिक जो लीडर होते हैं उनमें उठना बैठना काफ़ी अच्छा है। उन्होंने मेरे को बताया, मैंने जब उंगली के फेलाइंस देखे तो मैंने इनसे पूछा कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बोला हाँ, और मेरी काफ़ी जानकारी है पॉलिटिक्स में। दोस्तों, ऐसे लोगों के फर्स्ट फेलाइंस किसी बड़े नेताओं के ही होते हैं मेरे ज्ञान के अनुसार, और मैंने सजेस्ट करूँगा कि इनका पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है अंगूठे को देखते हुए, क्योंकि नेचर फ्रेंडली रहेगा और इनके फेलाइंस भी बिल्कुल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। दोस्तों, अभी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे है तो ये बिजनेसमैन, लेकिन इनका पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा वो इंटरेस्ट रहा है बचपन से। देखिए दोस्तों, इनकी सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से छोटी है, तो ये ईगो प्रॉब्लम दर्शाता है। ऐसे लोग हमेशा छोटी छोटी बातों का भी बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकी बुध की उंगली थोड़ी सी नीचे को है और थोड़ी सी अलग जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे सोचते हैं। हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो इनके जैसा सोच भी नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं कि दोस्तों, अगर ये किसी 100 लोगों के ग्रुप में खड़े हो और इनसे 99 लोग आके कहें कि राइट में जाना है, तो ये अपना दिमाग लगा के लेफ्ट में चले जाएंगे। थोड़ी इस लेवल की डिफरेंट थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की। देखिए दोस्तों, ये उंगली हल्की सी बैंड भी हो रही है, तो दर्शाती है इंसान में पैसे की ललक बहुत ज़्यादा होती है, और सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल पैसे का ही आता है ऐसे इंसानों में मेरे ज्ञान के अनुसार। देखिए दोस्तों, इनकी बुद्धि उंगली फर्स्ट फ्लाइन तक नहीं पहुँच रही, तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, डेटा, अकाउंट्स, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, और दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट, पैसे को कब और कहां और कैसे लगाना है, इन चीज़ों में थोड़े से कच्चे होते हैं नॉर्मल लोगों से। दोस्तों, इनके जो पर्वत हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने उनकी अलग फ़ोटो ली है, तो चलिए चलते हैं उनकी अलग पर्वतों वाली फ़ोटो पर।
ये देखिए दोस्तों, इनके बुद्ध पर्वत की फोटो। देखिए दोस्तों, बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन है तो हम आंख मूंद कर कह सकते हैं कि बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, जब ऐसी सीधी खड़ी लाइन होती है तो इंसान में बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा होता है। ये तो वैसे भी बिजनेसमैन है तो बिजनेस सेंस तो इनमें अच्छा होगा ही, और वाणी ज़्यादा मीठी तो नहीं लेकिन वाटी भी नॉर्मल, वाणी भी इनकी नॉर्मल होगी। और देखिए दोस्तों, लेकिन इनके इस पर्वत में एक माइनस पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा गड्ढा बन रहा है, तो ये दोस्तों ये इनके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये इसकी आपको बता दूँ नॉलेज के लिए कि ये जो लाइन है इसकी पावर को ये बिल्कुल आधी कर देगा, ये ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि गड्ढा बन रहा है। गड्ढा जो होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता पर्वत के लिए, पर्वत हमेशा उभरा हुआ होना चाहिए। अगर पर्वत उभरा हुआ होगा तो पावर को एम्पलीफाई कर देगा, लेकिन जो गड्ढा होता है वो पावर को दबा देता है, जिस पर पर्वत के पूरे फल नहीं मिल पाते। ये देखिए दोस्तों, इनका सूर्य पर्वत कितना अच्छा है। एक तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इनकी यश साइन दिखा देता हूँ, बहुत बड़ी यश साइन है, वो यहीं से दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, ये रही इनकी बहुत बड़ी और बहुत बारीक यश साइन। और देखिए दोस्तों, इसकी यश साइन की पूछ भी जा रही है, फिश साइन है ये इनके हाथ में। दोस्तों ये इन्हें करोड़ों करोड़ों का वो बिजनेस करवाएगी, ये वैसे भी बिजनेसमैन है, लेकिन जो ये यश साइन होती है ये कम से कम 6 to 7 digit का इन्हें बिजनेस करवाएगी। ये बहुत अच्छी यश साइन है मेरे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में ये हल्का सा ट्रायंगल ही बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। ये जितने बड़े बड़े सपने देखते हैं वो सब पूरे होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इनके सूर्य पर्वत में भी एक डिफेक्ट दिख रहा है मेरे को कि ये भी इसमें भी गड्ढा बन रहा है, ये पार्ट उभरे हुए हैं और ये थोड़ा गड्ढे में है। तो ये जो इनके मैंने आपको लोकेट करे थे फिश साइन और ये ट्रायंगल, इसकी जो इनका जो फल आता उसको बिल्कुल आधा कर देगा। और ये देखिए दोस्तों, इनकी सूर्य रेखा को ये रेखा काट भी रही है, तो ये भी 3 माइनस पॉइंट देती है। माइनस पॉइंट ये होते हैं कि पिता से मतभेद, या छोटी उम्र में पिता का हाथ सर से उठ जाना, या फिर पिता से दूर रहना, इन तीनों में से एक माइनस पॉइंट तो मिलता ही मिलता है। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत की तरफ। दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि इनके हाथ में ना बुध पर्वत पे भी गड्ढा था और सूर्य पर्वत पर भी गड्ढा था, लेकिन दोस्तों ये पर्वत इनका काफ़ी सशक्त और मजबूत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में बहुत बड़ी विद्या रेखा है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लोग पूछ पूछ कर भी काम करेंगे इनसे, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं समय के साथ साथ, बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है। और बहुत क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक लेवल की नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में, जब इतनी बड़ी विद्या रेखा हो हाथ में। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में मनी रिसीविंग एंटीना कितने सारे हैं, इनको हम मनी रिसीविंग एंटीना बोलते हैं। तो दोस्तों पैसा तो इनके पास भरपूर आता रहेगा। दोस्तों जब ये जो एंटीना होते हैं, ये इंसान अगर एक रेखा भी हो तो इंसान की ज़िंदगी बन जाती है। और इनके हाथ में तो 5 और 1 2 3 4 5 6 एंटीना है, और ये एक यश साइन भी जा रही है। दोस्तों इनके हाथ में पैसे की तो कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इतनी अच्छी इनके शनि पर्वत पर, इनका शनि पर्वत ही इतना अच्छा है कि पैसे की कमी तो होने नहीं देगा। अब चलते हैं गुरु पर्वत की फोटो पर। वो मैं आपको इस क्लोजअप में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इनके गुरु पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है, तो ये भी गुरु पर्वत के जो फल होंगे उसको आधा कर देगा। आधा क्या मतलब, 50% भी नहीं, 30% कर देता है जब इतना दबा हुआ गुरु पर्वत हो। और दोस्तों जब गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है तो इंसान को थोड़े सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख भी कम मिलते हैं।
देखिए दोस्तों, उनके हाथ में कितना बड़ा स्क्वायर बन रहा है। तो अच्छे घर में रहने का सौभाग्य मिलता है, ऐसे लोग थोड़े पैसे वाले घर में पैदा होते हैं। और दोस्तों इसके दो तीन प्लस पॉइंट और होते हैं, वो ये हैं कि ऐसा इंसान 32 के पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल के जब 36 साल के हो जाते हैं तो तब एक किसी ना किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी हासिल करता है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं ये तो बिजनेस मैन है, तो उस बिजनेस में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि इनके कंपटीशन में कोई नहीं होगा। दोस्तों अभी चलते हैं इनकी सारी रेखाओं की तरफ। उसके हाथ के लिए मैं अच्छा से फोटो ले लेता हूँ। यही है देखिए दोस्तों, इनका अंदरूनी मंगल कितना उभरा हुआ है। तो ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा कूट कूट कर भरी होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये पाम इनका चौड़ा है, तो ये मजदूर की तरह काम करना भी जानते हैं और इनमें शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, कभी नहीं थकते होंगे काम करके भी। मेहनती इंसान बहुत होता है, ये इंसान को बहुत मेहनती बनाती है दोस्तों। दोस्तों इनका भारी मंगल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब भी किसी अजनबी के साथ मिलते हैं, इतनी एनर्जी के साथ मिलते हैं कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, उसे लगता ही नहीं है कि पहली बार मिल रहे हैं या बार बार मिलते आ रहे हैं। एक तो इनका फ्रेंडली नेचर भी काफ़ी है, अंगूठे की वजह से दिखा दूँ दोस्तों, और एनर्जी भी काफ़ी भर के है इनके अंदर। ये देखिए दोस्तों इनका, और देखिए दोस्तों इस भारी मंगल इतना अच्छा है, तो जब इंसान के पास वक्त की मार पड़ती है, बुरा समय आता है, तो व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता और टिका रहता है। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इनका चंद्र पर्वत कितना अच्छा है और कितना बड़ा है। तो दोस्तों इन्हें विदेश से धन लाभ तो पक्का होगा, क्योंकि इनके हाथ में शनि पर्वत भी ये है, ये जो लाइन है ये इन्हें विदेश से धन प्राप्त करवाएगी, और इनका चंद्र पर्वत भी इतना अच्छा है। तो दोस्तों विदेश से धन प्राप्ति के योग तो इनके हाथ में पूरे पूरे हैं। ये देखिए दोस्तों इनका शुक्र पर्वत भी काफ़ी उभरा हुआ और काफ़ी बाहर को है, तो ये भी इनको एक प्लस पॉइंट दिलाएगा। तो दोस्तों इसकी वजह से इन्हें बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं। ये होते हैं कि लग्जरी लाइफ जीने का शौक होता है, ट्रेंड के साथ ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, और अपनी प्रेजेंटेशन पर भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। देखिए दोस्तों इनके हाथ पर कितनी सारी शुक्र रेखा है, तो ये दिखाती है कि ऐसा इंसान हमेशा लग्जरी लाइफ जीता है। दोस्तों अगर किसी इंसान के हाथ में एक इतनी बड़ी शुक्र रेखा हो तो ऐसा इंसान हमेशा 4-व्हीलर में घूमता है। और देखिए दोस्तों इनके हाथ में तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 6 रेखा है। तो दोस्तों लग्जरी लाइफ तो ये कमाल की जीने वाले हैं, बिल्कुल A1 लेवल की लग्जरी लाइफ। दोस्तों चलते हैं इनके हार्ट लाइन पर। ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और दोस्तों हल्की सी छोटी सी लाइन मुझे यहाँ भी दिख रही है, तो इस लाइन की वजह से इंसान थोड़ी देर दुखी रहता है और दुखी रहने के बाद खुशी ढूंढता है। ये देखिए दोस्तों इनके हाथ में ये जड़ वाली रेखा भी है, तो इस लाइन की वजह से इंसान बहुत दयालु नेचर का होता है और अपने मित्रों सगे संबंधियों को पैसा देता है जो कि लौट के वापस नहीं आता। और दोस्तों इस लाइन का एक माइनस पॉइंट भी मिलता है, ऐसे लोग बड़े दयालु नेचर के होते हैं और लोगों का भला करना जानते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो इनकी इनकी जो भलाई का होता है उसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं और इन्हें उस लेकिन दोस्तों इस फायदा उठाने के बाद भी इनकी नेचर नहीं बदलता, इनका काम ही है कि लोगों का भला करना। बहुत दयालु होते हैं इस लाइन की वजह से लोग। देखिए दोस्तों इनकी हृदय रेखा पूरी जाके गुरु पर्वत पर मिल रही है, तो ऐसे लोग विश्वास लायक होते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते, और अगर किसी पे इनके 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो ये सामने से आकर वापस करेंगे, इतने विश्वास लायक होते हैं दोस्तों हैं। आप ढूंढिए आपके आसपास कोई किसी की हृदय रेखा इतनी लंबी हो, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो कभी भी पैसे के मामले में धोखा नहीं करेगा, इतने सच्चाई पसंद इंसान होते हैं ऐसे लोग। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इनकी उंगली के फर्स्ट फेराइज काफ़ी उभरे हुए हैं, तो पॉलिटिकल
लाभ तो उनको मिलेगा ही। और देखिए दोस्तों, इनकी हृदय रेखा भी बिल्कुल पॉलिटिक्स वाली है। जब ऐसी दो मुही जीवन रेखा होती है और वो भी जुपिटर सॉरी गुरु पर्वत को देखती हुई, तो ऐसे इंसान के संपर्क में पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े MLA रहते ही रहते हैं। पॉलिटिकल लाभ तो इन्हें बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैंने सजेस्ट करूँगा कि अब ये बिजनेस की तरफ ध्यान थोड़ा सा हटाकर पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इनका स्कोप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, इनकी हृदय रेखा थोड़ी छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं, सॉरी माइंड लाइन इनकी थोड़ी छोटी है, बस यहीं तक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान में बुद्धि कम होती है या दिमाग कम होता है। बुद्धि तो कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा अलग होता है, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इनकी हृदय रेखा चलती है और झुकी हुई जाकर बस यहीं तक है। तो दोस्तों ये दर्शाती है कि इस, देखिए दोस्तों, शुरुआती एज में इनके पास थोड़ा मेंटल प्रेशर रहा होगा, तो हृदय रेखा थोड़ी सी गाढ़ी है, और इस पॉइंट के बाद हृदय रेखा नीचे को झुकती जा रही है और हल्की होती जा रही है। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि इस एज के बाद, लगभग 45 के बाद, इन्होंने टेंशन लेना बंद कर दिया होगा और ये रिलैक्स जीवन जीने लगे होंगे। और यहाँ तक इन्हें जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ा होगा और थोड़ा सा टेंशन भी लेते होंगे, प्रेशर भी डालते होंगे अपने दिमाग के ऊपर। दोस्तों अब चलते हैं इनके जीवन रेखा की तरफ, उसका भी मैंने अलग फोटो लिया हुआ है। दोस्तों जीवन रेखा से पहले इनकी फेट लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इनका पाम बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एक नहीं, दो फेट लाइन है। एक ये जा रही है यहाँ तक, और देखिए दोस्तों एक ये जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी भी इंसान के हाथ में दो फेट लाइन देखें तो आंख बंद करके कह दीजिएगा कि वो इंसान करोड़पति है, क्योंकि दो फेट लाइन करोड़ों या अरबों का काम करवाती है इंसान को। और देखिए दोस्तों, इनके हाथ में कितना बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो दोस्तों पैसा तो इनके पास बहुत बड़े लेवल पर रहने वाला है, और बहुत प्रॉपर्टी कह सकते हैं, मतलब पैसे के मामले में इनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। ये करोड़पति तो छोड़ो, अरबपति बनेंगे अपने टाइम में। सॉरी मैं आपको बता दूँ कि करोड़पति तो हैं ही, अरबपति इनके, अगर इनकी ये पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो अरबपति भी बनेंगे। देखिए दोस्तों, दो मुही जीवन रेखा मैंने आपको दिखा दी, ऐसा इंसान 100% करोड़पति होता है। अब चलेंगे इनके जीवन रेखा की फ़ोटो की तरफ। देखिए दोस्तों, इनकी जीवन रेखा यहाँ से शुरू हुई, और देखिए दोस्तों जो इनका शुरुआती जीवन है वो थोड़ा हिला डुला सा रहा होगा, थोड़ा जिगजैग है, जीवन रेखा यहाँ तक स्पष्ट नहीं है। तो ये इनका दर्शाता है कि ये इनका टाइम अच्छा नहीं रहा होगा, ये इनका ख़राब टाइम गया होगा, और थोड़े इस टाइम में बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे ये। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ से इनकी लाइफ बिल्कुल कितनी अच्छी जा रही है। और देखिए दोस्तों, इनके हाथ में फिर दो जीवन रेखा है, तो यहाँ तक थोड़े यहाँ से कन्फ्यूज रहे होंगे, लेकिन यहाँ इसके बाद ही संभल गए होंगे, वो मैं आगे आऊँगा तब बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, लगभग मुझे 23 में किसी नियर एंड डियर की डेथ दिखाई दे रही है इनके हाथ में। फिर देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद ही लगभग 24 में एक और नियर एंड डियर की डेथ है। देखिए दोस्तों, फिर 26 में एक ऑफ शूट है, फिर 27 में एक अच्छा सा ऑफ शूट है, और देखिए दोस्तों एक हल्का सा ट्रायंगल भी बन रहा है इनके हाथ में। तो उन्होंने इस उम्र में लगभग 30 तक एक प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और दो ऑफ शूट यानी दो खुशखबरियाँ मिली होंगी। फिर देखिए दोस्तों, मुझे यप साइन भी दिख रहा है। दोस्तों ये यप साइन एक हस्तरेखा का सबसे गंदा साइन होता है, सबसे भयानक साइन होता है, क्योंकि दोस्तों जब यप साइन होता है तो मैंने ऐसे लोगों को खाने तक के लिए लगते हुए देखा है जब यप साइन आता है। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं किसी हाथ में यप साइन देखता हूँ तो मन इतना विचलित हो जाता है कि बोलने तक के शब्द नहीं होते। दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं कि वो करोड़पति थे और उनकी हाथ में ये इतना गंदा यप साइन आया, मन तो करा है सब शब्द बोलूँ, और वो खाने तक के लिए पैसे, एक एक रुपये तक के लिए तरस गए,
इतना गंदा यपसाइन होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इनके जीवन का सबसे भयानक टाइम गया होगा, ये यपसाइन जो बन रहा है इनके हाथ में। लेकिन दोस्तों यपसाइन के जाते ही लगभग 33 के बाद ये बहुत अच्छे सफर रहे हैं, और देखिए इनकी जीवन रेखा बिल्कुल सशक्त रूप से स्टार्ट हो चुकी है। और 33 के बाद इनके जीवन में कोई वो नहीं है परेशानियाँ। देखिए दोस्तों लगभग 40 में हल्का सॉफ्ट शूट आया, ये इन्हें कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा या फिर कोई सफलता मिलेगी दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों इनकी जीवन रेखा यहाँ से चलती जा रही है, और एक सपोर्ट लाइन ने यहाँ भी मिली है। तो दोस्तों बस इनके हाथ में मैंने बताया था, तो इनका पाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके हाथ में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है और उससे भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये यपसाइन जो होता है ये लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ये इतना गंदा यपसाइन होता है दोस्तों। अगर आपके हाथ में है तो आप अभी से आगाह हो जाएं, और इसके कुछ उपाय हैं। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको इसके यपसाइन के थोड़े उपाय दे दूँगा। देखिए दोस्तों लगभग ये इनकी धन रेखा है और ये इस पे कट लगा बहुत ही गंदा। तो दोस्तों लगभग 41 के आसपास इन्होंने अच्छा खासा बड़े लेवल का आर्थिक नुकसान झेला होगा क्योंकि इनके हाथ में कट बहुत बड़ा है। फिर देखिए दोस्तों लगभग 49 में एक बहुत बड़ा कट गया, तो इसमें भी इन्होंने कोई आर्थिक नुकसान झेला होगा। दोस्तों फिर इनके हाथ में कोई वो बुरी वो नहीं है, फिर इनका चलता जा रहा है। और देखिए दोस्तों लगभग 65 से 70 के बीच में एक फिश साइन भी बन रहा है। तो दोस्तों ये इनके जीवन में बल्ले बल्ले कर देगी, इनका बुढ़ापे में ये और दुगना कमाने वाले हैं, और कह सकते हैं कि ऐसा इंसान बुढ़ापे में जाके करोड़पति अरबपति तो बनता ही बनता है। तो दोस्तों इनके जीवन में बहुत सारे पहलू मैंने आपको दिखा दिए कि जो ये यपसाइन होता है ये इंसान को भीख मांगने पर मजबूर कर देता है, और फिश साइन से इंसान करोड़पति बन जाता है। दोस्तों जिसके हाथ में ये दोनों रेखाएं हों तो कह सकते हैं वो इंसान पहले तो शुरुआती दिन में बहुत गरीब होते हैं, और लेकिन लास्ट तक आते आते अपनी मेहनत करके करोड़पति अरबपति तो बन ही जाते हैं। दोस्तों ये था इस इंटरेस्टिंग पाम का पुरानी सी वीडियो, और अभी इसे ख़त्म नहीं करेंगे, अभी इनकी फिट लाइन पर भी चलना है हमें। देखिए दोस्तों ये थी इनकी फेट लाइन पर तीन इनके अभी रुकिए दोस्तों देखिए दोस्तों इनकी फेट लाइन यहाँ से जा रही है और दूसरी फेट लाइन से शुरू हो रही है, और ये लगभग कट बताया मैंने आपको स्टार्टिंग के जीवन 41 में, ये 49 वाला कट है बहुत बड़ा। और देखिए दोस्तों लगभग इसके बाद इनके जीवन में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, फिर इनकी धन रेखा सीधी सड़क चलती जा रही है और दो हिस्सों में विभाजित हो रही है। तो दोस्तों बुढ़ापे में तो ये इस फिश चैन की वजह से बहुत पैसा कमाने वाले हैं, और दोस्तों इस यपसाइन की वजह से बहुत पैसा गवा भी। अब तो इनकी उम्र निकल गई ये 30 से 35 वाली, तो इस उम्र में बहुत सारा पैसा गवाया भी होगा, और इस उम्र में ये कमा भी लेंगे, जितना गवाया होगा सब कमा लेंगे ये इस फिश चैन की वजह से। और दोस्तों इनका शनि पर्वत भी दिखाता है कि इन्हें विदेश से धन प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग हैं, और चंद्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये थे मैंने आपको इस हाथ के सारे नेगेटिव पॉइंट्स और उससे भी ज़्यादा इनके हाथ के अच्छे पॉइंट्स सारे बता दिए। तो दोस्तों ये था इनके पाम का पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।